तो मैं हर्षिता और आप देख रहे हैं ट्विंस माय वर्ल्ड। सॉरी अभी इसको वीडियो में लाना पड़ा क्योंकि देखिए अभी मेरा इतना हेक्टिक शेड्यूल रहता है ना कि मैं दोनों बच्चों को साथ में करके मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जा रहा है और इसकी वजह से मैं काफ़ी स्ट्रेस में भी हूँ। तो इसलिए मैंने सोचा कि स्ट्रेस को कम करने के लिए बच्चे अगर वीडियोज़ में आ भी रहे हैं तो दैट डजंट मेक एनी डिफरेंस, बिकॉज मैं जो भी बोल रही हूँ, जो कंटेंट दे रही हूँ वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप अदर एक्सटर्नल प्लीज़ आप डिस्टर्बेंस को थोड़ा सा इग्नोर कर दीजिए। देखिए बच्चे हैं तो ऑब्वियसली बात है कि इनके लिए कुछ ना कुछ तो सेक्रीफाइस करना ही पड़ता है एक मदर को, तो प्लीज़ थोड़ा सा आप मेरे साथ कॉपरेट करिए और इसकी आशा करती हूँ। प्लीज़ डिस्टर्ब मत करो बेटा, प्लीज़ हेनरी, प्लीज़ डिस्टर्ब नहीं करो हेनरी। सब बोले हेलो दोस्तों, मैं हर्षिता और आप देख रहे हैं ट्विंस माय वर्ल्ड। आज एक बहुत ही डिसगस्टिंग टाइप का आपको जेंडर प्रेडिक्शन बताने वाली हूँ। और आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा कि जेंडर प्रेडिक्शन बाय माचिस की तिल्ली, लहसुन, पता नहीं क्या क्या, अदरक, पुदीना, मतलब आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो वो चीज़ें। एक तो समझ में आता था कि बेकिंग सोडा से लोग टेस्ट करते हैं, बेकिंग सोडा का जो ट्रेंड चला वो लिटरली सॉल्ट पे आ गया, शुगर पे आ गया, और अभी तो फ़िलहाल मैंने माचिस की तिल्ली और पता नहीं क्या क्या देखा। बट उससे भी वर्स्ट जो मैंने वीडियो देखा है उसके बारे में बता दूं, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं कि लोग इतने ज़्यादा हद तक चले गए हैं। आपको सुन के भी बहुत ताजुब लगने वाला है कि जो मैं आज बात बताने वाली हूँ आपके इमेजिनेशन के बाहर है कि ऐसा भी होता है, लोग इतने हद तक सोचते हैं। अभी देखिए, मैंने देखा जेंडर प्रिडिक्शन, आपको जेंडर प्रिडिक्शन में नहीं, आपको मनचाही संतान होगी, आपको लड़का चाहिए तो लड़का, और ज़्यादातर लड़का या लड़की जो भी उन्होंने बताया था उस वीडियो में कि लड़का लड़की पे भेदभाव नहीं है, लेकिन जो उपाय है एकदम 100% है, एकदम ये है वो है। और सुनिए क्या था उनका उपाय, उनका उपाय ये था कि जब भी आप इंटीमेट होते हैं तो जो मेल पर्सन होता है, जो मेल पार्टनर होता है, उसके दो टेस्टिकल्स होते हैं, एक राइट और एक लेफ़्ट होता है। और ऐसा उनके हिसाब से पता नहीं क्या क्या बोल रहे थे कि अगर राइट से जो टेस्टिकल से जो भी स्पर्म्स आउट होते हैं वो ज़्यादा वाई क्रोमोसोम्स वाले होते हैं और लेफ़्ट वाले होते हैं वो एक्स के होते हैं, या फिर पता नहीं क्या बोला उन्होंने, राइट लेफ़्ट में थोड़ा कन्फ्यूज़न है, मुझे इतना याद नहीं है। लेकिन फिर भी वो बोल रहे हैं कि अगर एक टेक्टिकल को बहुत टाइटली अगर बांध दिया जाए रबर बैंड से, धागे से, उसके बाद वो इंटीमेट करते हैं तो जो ये पोर्शन रह जाता है, जो दूसरा वाला टेक्टिकल्स रह जाता है, वो आउट नहीं होता है, वहाँ से वो स्पर्म नहीं निकलता है, तो जो भी आप चाहते हैं, जैसी संतान चाहते हैं वैसा होगा। क्या ये सही है? आउट ऑफ द माइंड सब कुछ जा रहा है यार, जेंडर प्रिडिक्शन या फिर जेंडर को लेके इतना ज़्यादा हुआ, क्या ये सही है? आप खुद से सोच के देख लीजिए कि इंसानियत और ये सब कुछ कहाँ जा रहा है। इन सबसे जो ज़रूरी जो चीज़ है, अगर किसी के प्राइवेट पार्ट को इतना बुरी तरह से हर्ट किया जाएगा तो आप इमेजिन कर लीजिए कि उस इंसान के ऊपर क्या बीतेगी। वो इतना नाजुक सा अंग होता है, चाहे वो किसी का भी हो, मेल हो या फीमेल हो, उसको ऐसे हर्ट करेंगे तो वो पर्सन पे ही खुद इतना मतलब पता नहीं क्या होगा। उसके बाद आप जेंडर प्रेडिक्शन का आप सोच भी कैसे सकते हैं। तो होप आप प्लीज़ चीज़ों को समझने की कोशिश करिए इस तरह की जेंडर प्रेडिक्शन जैसी चीज़ों में, या प्लीज़ अपने आप को मत इन्वॉल्व करिए, मत हावी होइए। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो है आपका और आपके बच्चे का हेल्थ। होप आप वीडियो बनाने का पूरा मकसद समझ गए होंगे कि मेरा सिर्फ यही कहना है कि आप जो भी चीज़ें कर रहे हैं वो अपने और बच्चे के हेल्थ के लिए करिए, जिससे कि आपके और आपके बच्चे का बेहतर ख्याल रखा जा सके, आप लोगों के साथ अच्छा हो, ना ही इस तरह की वीडियो में पढ़ के किसी तरह का गलत कदम उठा लीजिए। देखिए आप लोग तो समझदार लोग हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी इग्नोरेंट लोग होते हैं जिनको इतनी समझ नहीं होती है, और कहीं ना कहीं वो इन तरह की वीडियोज़ में फंस जाते हैं और शायद उनके साथ कुछ ना कुछ बुरा हो जाए। इससे बेहतर है कि आप जितना हो सके इस वीडियो को स्प्रेड करिए, मेरी बातों को फैलाइए कि कहीं ना कहीं लोग इस तरह की गलत वीडियो के झांसे में ना आ जाएं, उनके साथ किसी तरह का नुकसान ना हो, कुछ बुरा ना हो। तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए, लाइक करिए, मत करिए, आई डोंट केयर, बिकॉज इट डजेंट मेक एनी डिफरेंस, बट शेयर मेक्स अ डिफरेंस। सो प्लीज़ 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 शेयर इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्विंस माई वर्ल्ड।